हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट हुआ फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन को लेकर के है, और इसमें अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की, तो यहाँ पे आंसर की को जारी कर दिया गया है, यहाँ पे अपलोड भी कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से, जो कि जितने भी कैंडिडेट्स जो फेज 9 2021 वाले एग्जाम लिखे हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, उसका अब यहाँ पे आंसर की को जो है अपलोड कर दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं बताता हूँ। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे इस प्रकार के अपडेट आप लोगों को मिलते रहते। देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पे है द कमीशन हेड कंडक्ट फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी 10 प्लस 2 लेवल एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल ऑन 2 फरवरी टू 10 फरवरी 2022 एंड 14th मार्च टू 16th मार्च 2022 फॉर कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड सेंटर एट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब ड्यू टू असेंबली इलेक्शन इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ फेज 9 2021 एग्जामिनेशन के लिए जो 3 लेवल के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में एग्जाम लिया गया था, जिसमें से मेट्रिकुलेशन लेवल, 10 प्लस 2 लेवल और ग्रेजुएशन और उससे ऊपर के लेवल के लिए जो 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद में फिर 14 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक हुआ था, जो बाद में हुआ था 14 मार्च से 16 मार्च में, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, जहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो रहा था, इसी कारण से इसको दूसरे चरण में एग्जाम लिया गया था। तो इनका जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जाम हो गया था। तो ये जो डेट है वो आप लोगों को तो मालूम होगा ही। द कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट एलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर कीज आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। द कैंडिडेट्स मे लॉग इन द पिंक एंड द लिंक प्रोवाइड बिलो बाई यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एग्जाम लिख चुके हैं उनका जो है रेस्पॉन्स शीट और साथ ही साथ में आंसर की को यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक पर अवेलेबल कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके ये लिंक में दे लेंगे, उसके बाद में ये लोग अपना जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे अपना रेस्पॉन्स शीट और आंसर की को देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंटेटिव आंसर की इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 31st मार्च 2022 टू 5 अप्रैल 2022 6 PM ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज्ड। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 6 PM ऑन 5 अप्रैल 2022 विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो यहाँ पे है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर उनको कोई भी सबमिट करना है उस आंसर की चैलेंज में, तो वो 31 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज्ड कर सकते हैं, और इस 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल के बाद में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नॉट बी इंटरटेंट अंडर एनी सर्कमस्टांस, ये साफ साफ कहा गया है। तो ये जो डेट है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, 5 मार्च तक आप पर क्वेश्चन ₹100 देकर के अपना आंसर की में चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो। द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द एबव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। तो यहाँ पे जो है आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जो रेस्पॉन्स शीट है उसका, और जो डेट दिया गया उसके बाद में आप यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है वो प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते। ये भी कहा गया अंडर सेक्रेटरी, आप देख सकते हैं 31st मार्च 2022। ये जो है आपको ब्लू कलर में लिंक दिया हुआ, लिंक फॉर कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट टेंटेटिव आंसर की एंड सबमिशन फॉर चैलेंजेस। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक नया पेज खुल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ फिल कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जा करके सीधे सीधे अपना जो है रेस्पॉन्स शीट और आंसर की को देख सकते हैं। तो यही बहुत बड़ा अपडेट और नोटिस है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से, जितने भी फेज 9 एग्जामिनेशन जो लिखे एग्जाम कैंडिडेट्स वे लोग अपना जो है आंसर किट और साथ साथ में रेस्पॉन्स शीट को देख सकते हैं।